भजनों की स्वर लहरियों से गूंजता माहौल, नृत्य, गीत और संगीत की प्रस्तुतियों के दौरान पुष्प से गोविंद संग होली खेलते कलाकारों की टोलियां और भजनों की मिठास से मंत्रमुग्ध होते श्रद्धालु। कुछ ऐसा ही नजारा आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव के दौरान देखने को मिला। फागोत्सव में रंगारंग प्रस्तुतियों की धूम रही। मंदिर में ठाकुर जी के समक्ष कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से उनकी वंदना की। कलाकारों ने मंदिर में फूलों की होली का अनोखा नजारा पेश किया। कार्यक्रम में कन्हैया और राधा के प्रेम की प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। इस कार्यक्रम में राधा कृष्ण के नृत्य ने जमकर तालियां बटोरी। में कलाकारों ने आपसी तालमेल से दी गई प्रस्तुतियों से सबकी वाह वाह लूटी। एक जैसी पोशाक में सजे धजे कलाकारों ने सभी का ध्यान खींचा। वहीं राजस्थानी संस्कृति की झलक भी पेश की। राजस्थानी लोक कलाकार मंगू राम ने अपने बेहतरीन नृत्य से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उत्सव
उत्सव में महिला कलाकारों की भावपूर्ण प्रस्तुति भी खास रही। कलाकारों की प्रस्तुति में प्रभु के गुणगान के साथ ही उनके प्रति समर्पण भाव भी देखने को मिला। वहीं भजन गायकों ने मत मुख पर मलो रे गुलाल सांवरिया होली में, रंग मत डालो रे सांवरिया आज बिरज में होली रे रसिया, नैना नीचा कर ले शाम जैसे फाग गीत व भजनों की प्रस्तुति से श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। महंत मानस गोस्वामी के अनुसार गोविंद देव जी मंदिर में होली महोत्सव बसंत पंचमी के दिन से ही शुरू हो जाता है। होली महोत्सव के दौरान ठाकुर जी को रोजाना गुलाल अर्पित की जाती है। होली के 15 दिन पहले से ही ठाकुर जी के रचना की झांकी शुरू हो जाती है, जिसमें ठाकुर जी को गुलाल की पोशाक पहनाई जाती है। साथ ही गुलाल से ही ठाकुर जी की विभिन्न लीलाओं के चित्रों के दर्शन भक्तों को करवाए जाते हैं। गुलाबी नगरी के जन जन के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में मुख्य रूप से दो बड़े आयोजन होते हैं, जिनमें जन्माष्टमी और फागोत्सव मुख्य हैं। इस दौरान मंदिर को आकर्षक रूप से सजाया जाता है, साथ ही भगवान गोविंद की मनोहारी झांकी के दर्शन करने यहां दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं।